तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होने वाला है, तो इसी वजह से अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, आपकी सर्दी भग जाएगी। तो हाँ, एक लाइक तो कर ही दो यार, तुम्हारी सर्दी भगा रहा हूँ, वो भी फ्री में, तो इसलिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। और हाँ, थोड़ा मतलब मेरे को सपोर्ट दिखाना है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ही दो। मतलब मैं आपकी सर्दी भगा रहा हूँ तो आप भी मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा कर दो यार, क्योंकि अब मेरे भी फाइनली स्कूल खुल चुके हैं। और जब भी किसी के स्कूल खुलते हैं तो भाई वो खुश तो होता नहीं है, और जब आप एक इंट्रोवर्ट हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और आते हैं वीडियो की टॉपिक पर। तो गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है हमारे बोरूटो, कावाकी और निंजा वर्ल्ड पर, क्योंकि जैसे कि हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था, जो निंजा वर्ल्ड था वो पूरा ही तहस महस हो चुका था, या फिर कहे तो कोनोहा। और जो हमारा बोरूटो है वो कावाकी से लड़ रहा था, और जो कावाकी और बोरूटो है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और वो दोनों आपस में लड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो हमने देखा था वो भी कोई झूठ नहीं था, तो इसके पीछे क्या रीज़न था, और जो कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों ने आपस में बातें करी थी और जो स्टेप्स उन्होंने लिए थे, उसी चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग्स जानने को मिल जाती है, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, कहा था ना वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बर्निंग है, तो हाँ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको याद होगा, जब हमारे कावाकी ने हमारे बोरूटो के आगे नरूटो का नाम लिया था, तब हमारे बोरूटो का फेस हो गया था सैड। नहीं याद आया तो एक बार देख ही लो। ये देखो, इस इमेज में हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा बोरूटो है उसका फेस सैड हो चुका है, जब हमारे कावाकी ने नाना दाई में यानी कि सेवंथ होकागे का नाम लिया था। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है आखिरकार? तो इसके काफ़ी मतलब निकल सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और ये बोरूटो के पर्सनैलिटी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाता है। तो देखो, अगर आप किसी पर्सन का नाम सुनते हो और उसका पर्सन का नाम सुनने के बाद आप सैड हो जाते हो, तो जो पहला रीज़न है वो ये है कि या तो उस पर्सन ने आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया है, यानी कि आपने उस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी लेकिन उस पर्सन ने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, और दूसरा या तो उस पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी और आपने वो उम्मीदें तोड़ दी। तो देखो, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन एकदम सही लग रहे हैं हमको कि हाँ भाई दोनों हो सकता है, लेकिन कोई तीसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। हम बस फैन हैं, हम बस थ्योरीज बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या मालूम थ्योरीज में से एक आध सही निकल जाए। और इन थ्योरी से हम काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन भी होते हैं, और याद रखना, इमेजिनेशन वर्ल्ड इज द बेस्ट वर्ल्ड। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं फालतू का ज्ञान नहीं पेलना स्टार्ट करूँगा, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो देखो, ये दोनों बातें ही हमें एकदम सही लग रही है, और शायद ये दोनों आपस में रिलेट भी करे या फिर ना भी करे, वी डोंट नो। तो हाँ, ऐसा हुआ होगा, जो हमारा बोरूटो है वो रैम्पेज में जा चुका है वापस से, आपको पता है ये लेटेस्ट चैप्टर के अंदर वापस से बोरोशिकी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और ये बात नरूटो को बाकी के आगे इसको भी बतानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये लेटेस्ट चैप्टर के अंदर हमारे शिकामारू की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन। तो ऑफकोर्स ये तो कंफर्म है ये कि हमारे शिकामारू चचा मरने वाले हैं। तो हाँ, जब शिकामारू मर जाएगा और मान लो वो वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो भी जाए जो अभी चल रही है मांगा में, मान लो कोड वहाँ से भाग भी जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, किसे पता। तो हाँ, इस टॉपिक पे जब हमारा नरूटो बाकी कागे से बात करेगा तो बाकी कागे से यही कहेंगे, देख भाई तेरा लड़का पहले भी शैतान बन चुका है, दो बार बन चुका है, अब तीसरी बार और बन चुका है, और इवन दो अगर वहाँ पे कावाकी नहीं होता तो तू मर जाता, तो आज यहाँ पे होता ही नहीं। तो सिंपली बाकी कागे से उसे यही कहेंगे, भाई तू बोरूटो को मार दे, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि अगर बोरूटो मारा जाए तो मोमोशी की भी मारा जाए, कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है, उनको ऐसी पॉसिबिलिटी मिल गई, तो वो हमारे नरूटो भैया को फोर्स करेंगे। अगर नरूटो भैया खुद नहीं मारेंगे तो वो बाकी विलेज वाले तो भेजेंगे ही अपने शिनोबी मारने के लिए उसे। तो इसी वजह से दो चीज़ें हो सकती है, या तो हमारा नरूटो बोरूटो को विलेज से बाहर खुद भेज दे, या फिर हमारे बोरूटो को जाना पड़े। दोनों ही पॉसिबिलिटी सही लग रही है, नरूटो भी भेज सकता है और बोरूटो खुद से भी जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो मुझे लग रहा है, जो हमारा बोरूटो है वो खुद से जाएगा, और एक बार जब वो विलेज से बाहर चला जाएगा तो वो ट्रेनिंग वगैरह करके मतलब खुद को सेटिस्फाई कर लेगा, और जब मोमोशी को पता लगेगा हमारे बोरूटो भैया का दुख, और शायद वो हमारे बोरूटो भैया का दुख देख के पिघल जाए, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है यार। और इसके आगे जो होगा वो हमें पता नहीं है, इसके आगे भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। तो हाँ, ये तो थी फर्स्ट डिटेल, अब बात करते हैं अगली डिटेल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइनर थी लेकिन थी। तो गाइस, जो वो अगली डिटेल थी वो थी ये, आपको ये सीन याद ही होगा, इस सीन में हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा कावाकी और बोरूटो है वो आपस में क्लैश कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे से टकराए थे, और उसके बाद जो हुआ वो आप में से किसी ने नोटिस नहीं करा होगा। उसके बाद जो हमारे बोरूटो की स्वॉट थी वो होकागे स्टैचू को एकदम मतलब जमीन से टच करते हुए वो पीछे गया था, और वहीं जो कावाकी था उसने अपने डंडे को जमीन पर टच नहीं होने दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जमीन पर था हमारे नरूटो भैया का फेस, और वो नहीं चाहता था कि हमारे नरूटो भैया का कुछ हार्म पहुँचे। इसका मतलब एक ही है, जो हमारा कावाकी है वो अभी भी नरूटो भैया को पसंद करता है, यानी कि अभी भी नरूटो भैया के लिए जान छिड़कने के लिए भी तैयार है।
और एक बात कि वो अभी भी बोरुटो को अपने भाई जैसा ही समझता है और वो बोरुटो को नारुतो के पास इसलिए भेजना चाह रहा है ताकि बोरुटो को हमारे नारुतो भैया समझा सके और शायद उसे माफी वगैरह मांग के वो अपना दिल हल्का कर सके। लेकिन वही जो हमारा बोरुटो है वो अभी भी हमारे हुकागे से नफरत करता है या फिर शायद दिखाता है ऐसा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि नारुतो खुद आके माफी क्यों नहीं मांग लेता, तो इसका एक और रीजन है। जो हमारे नारुतो भैया है या फिर कहे तो नारुतो चचा है वो अभी जस्ट किसी से फाइट करके आए हैं और इसी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और शायद वो मरने वाले हो, इसलिए कावाकी ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे भेज दिया हो। और हर इंसान की तरह हमारे नारुतो भैया की भी एक आखिरी विश थी और वो थी बोरुटो से माफी मांगना। लेकिन जो हमारा बोरुटो है वो तो वहां पे जाना ही नहीं चाह रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, बस अभी भी यही कहूंगा। और जो विलेज की ऐसी हालत है उसके पीछे मुझे एक रीजन लग रहा है और वो रीजन शायद हो भी सकता है, इसके ज्यादा चांसेस नहीं है। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कमेंट में आप बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो, इस चीज के ज्यादा चांसेस नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस है। शायद फ्यूचर में हमारे बोरुटो के ऊपर वापिस से एकदम वापिस से हमारे मोमोशिकी ने कंट्रोल ले लिया हो और विलेज की पूरी ऐसी तैसी कर दी हो, और शायद बोरुशिकी ही वही वजह हो जिसने हमारे नारुतो को दूसरे डायमेंशन में पहुंचने के लिए मजबूर किया है। और दूसरे भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं, आई डोंट नो। और शायद बोरुटो ने जोगान की हेल्प से हमारे मोमोशिकी को काबू में लाया है, बिकॉज जोगान इज द किंग ऑफ ऑल डोजुत्सु, जोगान इज द क्रिएटर ऑफ ऑल डोजुत्सु, जोगान इज द ओल्डेस्ट डोजुत्सु एंड फलाना फलाना। मतलब भाई मैं फलाना भी ढंग से नहीं बोल सकता यार, क्या बताऊं मैं यार, स्कूल जाना पड़ रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूं। और अब वीडियो की सबसे लास्ट डिटेल जो है हमारे कावाकी के बारे में, तो ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है, अगर आपने नोटिस कर ली होगी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं नोटिस करी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूँगी जो हमारा सेवंथ होकागे है उसने खुद ने हमारे कावाकी को ट्रेन करा है तो इसमें कोई शक की बात तो होनी नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रूफ है तो मैं आपको बस दो ही इमेजेस दिखाऊंगा और आप एकदम साफ साफ समझ जाओगे। सबसे पहले आप ये इमेज देखो, इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे कावाकी के पास एक डंडा है या फिर कहे तो चक्रा रॉड है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई चक्रा रॉड ही तो है, इससे क्या हो गया, मतलब डंडा ही तो है, लड़ने के लिए यूज़ कर लिया होगा, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, बात ये है इस इमेज को देखो। हो गए सारे डाउट क्लियर? अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। तो देखो, आपको याद होगा हमारे नारुतो शिपुडेन के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके अंदर हमारे नारुतो ने जब वो सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड में था तब उसने कुछ ऐसे चक्रा रॉड का यूज़ करा था बैटल करने के लिए, और शायद उसने वही अपना फाइटिंग स्टाइल हमारे कावाकी को सिखाया हो, वी डोंट नो। और इन दी एंड जो हमारा कावाकी था उसने पूरे नारुतो के गुण अपने अंदर ले लिए। लेकिन एक और बात यार जो मेरे मन में बार बार मचल रही है वो ये है कि जो जितने भी नारुतो वर्ल्ड में लोग हैं वो सब सास्के के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बोरुटो को देख लो, वो भी सास्के जैसा बन रहा है, कावाकी को देख लो भाई, वो तो ऑलरेडी सास्के जैसा ही लगता है हमें, क्योंकि भाई मतलब जो हमारा बोरुटो है वो सास्के जैसा बनना चाह रहा है, लेकिन जो हमारा कावाकी है वो सास्के जैसा ऑलरेडी है लेकिन वो नारुतो जैसा बनना चाह रहा है। तो शायद फ्यूचर में दोनों ही चीज़ें अचीव कर ले, देखते हैं क्या होता है, हमारी उम्मीद तो है कि कास्ट कर ले ताकि बोरुटो एनिमे में मज़ा आ जाए। तो हाँ गाइज, यही था आज का वीडियो, फ्यूचर में टीम 7 के ऊपर एक और वीडियो आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो को देखने के लिए। तो ओके गाइज, कल सुबह स्कूल जाना है इसलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं यहाँ पे रात के 2 बजे उठ के मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी वजह से एक लाइक कर ही दो यार। तो ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वीडियो पसंद आता है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा।